नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र से युवाओं को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को समझने और उससे जुड़ने की मिलेगी प्रेरणा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जन आशीर्वाद यात्रा के तहत लोअर सियांग जिले के लिकाबाली में एक जनसभा को किया संबोधित। कहा, सरकार अरुणाचल प्रदेश के सुदूर और सीमावर्ती इलाकों को सड़क संपर्क से जोड़ने पर दे रही है जोर। श्री रिजिजू ने मालिनी थान मंदिर में की पूजा अर्चना। अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता बामांग फेलिक्स ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि और बागवानी क्षेत्र में 4 क्रेडिट लिंक स्कीम को दी मंजूरी। राज्य को कैंसर पीड़ित के इलाज के लिए मुंबई में 100 बेड की व्यवस्था करने का लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और आधारशिला भी रखी। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें सोमनाथ मार्ग, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और सोमनाथ मंदिर के अहाते का पुनर्निर्माण कार्य शामिल है। श्री मोदी ने श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की धार्मिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के सरदार पटेल के सपने को और आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र से युवाओं को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को समझने और उनसे जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज के उद्घाटन से धार्मिक प्रयासों को और पर्यटन से और मजबूती जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि पहले के समय में कई ताकतों ने सोमनाथ मंदिर की समृद्ध धरोहर को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं मिले। श्री मोदी ने कहा है कि ये केवल मंदिर ही नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और मानवीय विचारधारा की दृढ़ता का प्रतीक है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद थे। पर्यटन और विकास के अवसर पैदा हो गए। 2014 में देश ने इसी तरह तीर्थ स्थानों के विकास के लिए प्रसाद स्कीम की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश में करीब करीब 40 बड़े तीर्थ स्थानों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें 15 प्रोजेक्ट का काम पूरा भी कर लिया गया है। 19 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान कर आज उन्हें विकसित किया जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज जन आशीर्वाद यात्रा के तहत लोअर सियांग जिले के लिकाबाली में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री रिजिजू ने कहा है कि वर्ष 2014 से केंद्र की एनडीए सरकार अरुणाचल प्रदेश के सुदूर और सीमावर्ती इलाकों को सड़क संपर्क से जोड़ने के अलावा इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा है कि विकास के माध्यम से ही लोगों को सही मायने में न्याय दिया जा सकता है। श्री रिजिजू ने कहा है कि राज्य के फुटहिल्स एरिया को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ने की परियोजना को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और इस योजना के पूरा होने से राज्य के त्वरित विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के बाद पहली बार लोअर सियांग के दौरे पर पहुंचे श्री रिजिजू का लिकाबाली में स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री रिजिजू ने कहा है कि मालिनी थान मंदिर में पूजा अर्चना भी की और मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का जायजा भी लिया। 2-3 दिन पैदल चलना पड़ता है तब जाकर के वहां पहुंचता है। ऐसा बहुत गांव है, लेकिन पिछले 7 साल में हम लोग ने ये जो प्रॉब्लम है लगभग सॉल्व हो गया। कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, कुछ प्रोजेक्ट अभी एजुकेशन चल रहे हैं, एक दो प्रोजेक्ट बचे हुए हैं। इंडो चाइना बॉर्डर का नाम से काफी रोड सैंक्शन हो गया। 1000 करोड़ से ज्यादा बॉर्डर रोड का काम चल रहा है इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में। सर्वदा
अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता बामांग फेलिक्स ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि और बागवानी क्षेत्र में 4 क्रेडिट लिंक योजनाओं को मंजूरी दी है। आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री फेलिक्स ने कहा है कि इसमें किसानों को सब्सिडी देने के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को प्रोत्साहन देने का प्रावधान शामिल है। श्री फेलिक्स ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल को लेकर सोशल मीडिया में लगाई जा रही अटकलें निर्धारित है। उन्होंने बताया है कि राज्य महिला आयोग की तरफ से इस बारे में एक प्रस्ताव आया है, लेकिन सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श करेगी। टेकिंग अहेड द स्टेट गवर्नमेंट्स एजेंडा ऑफ बूस्टिंग द इकोनॉमी थ्रू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इन द बैकड्रॉप ऑफ huge potential in the state cabinet approved four credit linked schemes under agriculture and horticulture sector during 21-22. I repeat, credit linked schemes under agriculture and horticulture sector. This is a two component of subsidized scheme to our farmers as well as rural women self-help group and their FPOs, farmers producer organizations across Arunachal Pradesh. The first is Atmanirbhar Krishi Yojana, that is under agriculture, where 60 crore rupees has been earmarked for as a subsidy. Another one, Atmanirbhar Bhagwani Yojana, that is for the horticulture sector, there too rupees 60 crore has been earmarked as a subsidy from the government. The scheme will be implemented with government subsidy, bank credit and beneficiary contribution. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय कैबिनेट में अपनी पदोन्नति को अरुणाचल प्रदेश की जनता को समर्पित करते हुए कहा है कि प्रदेश के विकास में सामुदायिक संगठनों को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। गुरुवार को ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में हाल ही में संसद में जनजातीय संशोधन विधेयक 2021 को पारित किए जाने पर आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय आधारित की रक्षा के लिए केंद्र प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि शेड्यूल ट्राइब में ताई खामती मिजू मिशमी मिशमी दिगारू मिशमी मोनपा मेम्बा सारतांग साजोलांग नोक्ते तांगसा तुत्सा और वांगचो जनजाति को शामिल किए जाने से अब जनगणना में राज्य की सभी जनजातियों की स्पष्ट गणना हो सकेगी। आपको हम लोग आज मुबारकबाद देना चाहिए, आप सबको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा काम, इतिहास का एक छूट गया था, एक दाग रह गया जिसमें हम लोग का नाम नहीं था, ये काम हुआ है। मेरे मन में भी था कि क्योंकि कोविड के चलते पार्लियामेंट भी ठीक से नहीं चल पा रहा था और मुझे यहाँ आना था, मंत्री बनते ही आना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पार्लियामेंट ठीक शुरू हो चुका है तो हम लोग पार्लियामेंट सेशन के बाद ही अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी या स्टेट जहाँ भी जाना है जा सकते हैं। तो जब मैं तय किया कि 15 अगस्त के बाद अरुणाचल जाऊंगा तो खाली हाथ आना तो ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए किसी तरह से मैं आज आपके माध्यम से मेरा आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी को मैं धन्यवाद देता हूं। कितना जाति पेंडिंग है लेकिन सबको छोड़ के इस बार एक्सक्लूसिवली अरुणाचल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया और ला करके इसको पास किया और पार्लियामेंट में तो आप जानते हैं इस बार बहुत हंगामा हुआ, फिर भी हम लोगों ने बोला इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हल्ला गुल्ला में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास किया इस बार, बहुत बहुत मुश्किल हालात में, लेकिन हम लोग का मेजोरिटी था और ये कोई चोरी का काम तो है नहीं, समाज को रिकॉग्निशन देने का बहुत अच्छा काम था, तो हम लोगों ने जबरदस्ती इसको पार्लियामेंट में पास कराया।
हाल ही में संसद में अरुणाचल प्रदेश की कई अनुसूचित जनजातियों को भारतीय संविधान की एसटी सूची में शामिल करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने पर ईटानगर दोरजी खांडू कन्वेंशन हॉल में धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, राज्यसभा सांसद नाबाम रिबिया और प्रदेश के कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विकास कार्यक्रमों में सहयोग देने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद पर बातचीत के लिए गृह मंत्री पामांग फेलिक्स की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। उन्होंने बताया है कि ये समिति सभी हितधारकों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर रही है। पिछले लास्ट 7 ईयर्स में हम सब लोग ने देखा है और वो काफ़ी क्लोजली वो मॉनिटर करते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए। तो बाउंड्री इश्यूज़ को लेके भी आप सबको पता है, मीडिया में भी मैंने स्टेटमेंट 2-3 बार दिया भी हूँ। तो अकॉर्डिंगली सीएम आसाम के साथ भी मेरा बातचीत हो गया और हम लोग अक्रॉस द टेबल हम लोग बात करेंगे। तो अरुणाचल जो है इज शेयरिंग अराउंड 720 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर विद आसाम और इसमें बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है, बहुत सारा कम्युनिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो मैंने स्टेट की ओर से तैयारी पूरा शुरू कर दिया है। हमारा होम मिनिस्टर भामंग फेलिक्स जी के अंतर्गत में एक कमिटी, हाई पावर कमिटी का भी गठन मैंने कर दिया है। उनका पहला 2 मीटिंग हो चुका है, कमिटी का अपना इंटरनल मीटिंग हो गया। इसके बाद सेकंड में सीबीओस आप लोगों के साथ में भी मीटिंग हो गया है, अफसों के साथ में भी मीटिंग हो गया है। तीसरा जो मीटिंग होना है विद ऑल द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट इन द बॉर्डरिंग असम एंड अरुणाचल, वहाँ का डीसी के साथ में मीटिंग होना है और साथ साथ वहाँ के जितने भी ऑनरेबल एमएलएस उन लोगों का साथ में उस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे बहुत ही जल्दी। ओलोगेमी को कैसे हम लोग रोकना चाहिए, तो मैंने उस वक्त पे हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी और अरुणाचल प्रदेश कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो तीनों संस्थाओं को मैंने वादा किया था कि इस टॉपिक के ऊपर में आप लोग एक बड़ा एक डिस्कशन कीजिए, सीबीओस का साथ में हो, गांगुराज का साथ में हो। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कैंसर के बढ़ते मामले चिंताजनक रूप ले रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक एंड रिसर्च NCDR की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले में महिलाओं में सबसे अधिक कैंसर के नए मामले पाए गए हैं, जबकि पुरुषों में कैंसर के सबसे अधिक नए मामले मिजोरम के राजधानी आइजोल में पाए गए हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट भारत का कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है। मामले की गंभीर को समझते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कैंसर पीड़ित के इलाज के लिए मुंबई में 100 बेड्स की व्यवस्था करने का फैसला किया। गुरुवार को ही राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। As all of you know, this was the long felt requirement and necessity of our state, and this time government had decided, और ये भी डिसीजन लिया कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बी इन फंक्शनल। राज्य के नागरिक उद्यन मंत्री नाकाप नालो ने कहा है कि होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का करीब 60% कार्य पूरा हो चुका है और 15 अगस्त 2022 को इस परियोजना का उद्घाटन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गुरुवार को तेजू एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री नालो ने बताया कि होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिस पर एयरबस 320 एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की क्षमता होगी। उन्होंने कहा है कि तेजू और पासीघाट एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान शुरू हो गई है। श्री नालो ने कहा है कि तूतिंग और मेचुका एयरपोर्ट से जल्द ही व्यावसायिक उड़ान शुरू करने की योजना है। उन्होंने एयर कनेक्टिविटी के विस्तार से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही गंभीर रूप से बीमार रोगियों को भी अस्पतालों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 77वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीरभूमि पहुंचकर पूर्व पीएम और अपने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी को उनकी जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव गांधी भवन ईटानगर में आयोजित जयंती कार्यक्रम में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष नाबाम तुकी ने सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया।
देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 36,571 नए मामले दर्ज किए गए और 36,555 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,63,605 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.54% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 57,22,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 54,71,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 50,26,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई और कर 18,86,000 नमूनों की जांच की गई। इधर अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए और 240 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से एक रोगी की मौत के बाद राज्य में मरने वालों की संख्या 255 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,564 है और रिकवरी दर 96.5% है। गुरुवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 3,709 सैंपल एकत्रित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 9,22,875 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 7,29,440 टीके उपलब्ध है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।